अब चलते चलते में बात एक ऐसे दरोगा जी की जो अनूठा पाठ पढ़ा रहे हैं ईमानदारी का। उन्नाव जनपद का एक बीघापुर थाना है, वहां तैनात दरोगा उमेश त्रिपाठी पुलिस की पाठशाला कार्यक्रम के दौरान उन्नाव में ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहे हैं। दरोगा उमेश त्रिपाठी कह रहे हैं कि पुलिस पैसा तो लेती है लेकिन काम कर देती है, पुलिस से अच्छा कोई विभाग ही नहीं है, और कोई विभाग और अन्य है तो वहां जाओ तो पैसा लेकर भी काम नहीं करते हैं। ये बात हम बहुत दिनों से सुनते रहे हैं, इससे इतर भी हम चूंकि लंबे समय तक अपराध की रिपोर्टिंग करने के कारण हमारा पुलिस से वास्ता खूब रहा है, तो ये बात बहुत दिनों से हम सुनते रहे हैं। ये कोई नई बात मेरे लिए नहीं है, दर्शकों के लिए बिल्कुल नई बात है, और सार्वजनिक मन से ये कहना भी नहीं चाहिए उमेश त्रिपाठी को। ये सिपाही से पुलिस में भर्ती हुए थे, इनकी पूरी कुंडली हम जानते हैं, और अब दरोगा हो गए, अच्छी बात है, लेकिन इस तरह की बात सार्वजनिक मन से और किसी को ये ज्ञान नहीं देना चाहिए। और बगल में बैठे उनके अधिकारी दांत निकाल रहे हैं, उनको खीसे नहीं निपोरने चाहिए इनके अधिकारियों को, बल्कि उनको डपटना चाहिए कि ऐसा ज्ञान मत दो उमेश। और अभी जो हमारे सहयोगी हमको कान में बता रहे हैं, कान में चूंकि यंत्र लगा है इसी के जरिए पता चलता है कि भाई वो निलंबित भी हो गए उमेश त्रिपाठी। स्वाभाविक है, सोशल मीडिया का जमाना है, बिल्कुल ऑडियो वायरल होता है और निलंबन तुरंत हो जाता है। हम लोग तो जिस बारे में रिपोर्टिंग करते थे तो अखबार की खबर पढ़ के एसपी निलंबित करता था, अब तो तुरंत देख सुन के निलंबित कर देता, देखा सुना निलंबित, तो ये मामला है कुल मिला के। लेकिन जो बात आधी अधूरी रह गई उसके साथ इस वीडियो को छोड़ जाएंगे, आप सुनिएगा लेकिन इस पर पालन बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि ये अच्छी सीख नहीं है। लेकिन एक बात और भी हमने सुनी कि लोग, पुलिस ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो बहुत काम करता है, पुलिस वालों के मुंह से ही सुना हमने, और पुलिस ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो सिफारिश मान लेता है, मुफ्त में भी काम कर देता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। इससे अच्छा विभाग नहीं कोई, बहुत ईमानदार, आज भी सबसे बड़ा ईमानदार कोई पुलिस है पूरे का, आपको भी देख लेंगे। अगर पुलिस ने आपसे पैसे ले लिया या कह दिया काम करें तो करें, और कोई विभाग चले जाओ पैसे ले लेके दौड़ा जाए, ठीक है। आप यही देखिए, मास्टर साहब लोग हैं, अपने घर में रहते हैं, पढ़ाते हैं, छह महीने छुट्टी हम कर जाते, कहीं करो आ गया तो साल भर आए, है ना। हम लोग करोना आ गया तो और